बीजेपी में इस वक्त काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी भी एक्शन में नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कह दिया है कि वह मानसून ऑफर चला रहे हैं, जिसके तहत 100 विधायक लाइए और अपनी सरकार बनाइए। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद कई तरह की बातें होने भी लगी थी। हालांकि इन सब चीजों की शुरुआत तब हुई जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। यूपी में बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बीजेपी में हलचल शुरू हो गई। यूपी ही में जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा है इसका फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं। दरअसल खबर सामने आई कि अखिलेश यादव ने गुपचुप मीटिंग की है। इस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि कैसे बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को तोड़ा जाए, नेताओं को तोड़ा जाए और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। कुछ वक्त के बाद चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, विधानसभा के। और अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा जो सीटें उस पर उपचुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से चुनावी स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, इसका फ़ायदा क्या आसानी से अखिलेश यादव उठा लेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी।